तो अभी मैंने जस्ट एक वीडियो खत्म करी, ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये लताफा का मैंने लुक्स करके कुछ पता नहीं सिल्वर या गोल्ड जो भी है वो मैंने ऑर्डर करा था, लुक्स गोल्ड कहते हैं शायद, जिसके बहुत सारे वीडियोस देखे थे मैंने, काफ़ी अच्छा है। तो इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, अमेजोन से ऑर्डर करा था, जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। बहुत सस्ती सी पैकेजिंग करी है अमेजोन वालों ने। तो ये कुछ इसकी डिटेल्स है, दिख रही होगी क्या इसमें? कोई नहीं, अगर नहीं दिख रही होगी तो फोटो खींच के डाल दूंगा। तो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, ये परफ्यूम रिव्यू करने के एक्सपर्ट है, ठीक है। इनको ज्यादा स्मेल आती है, हमारे नोज से, इनका नोज काफी पावरफुल रहता है, तो ये भी अभी हेल्प करेगा। ये देख रहे हो, देख रहे हो, ये ऐसे कुछ खुलती इसकी बोतल, मजा आ गया। ऐसी कुछ दिखती है बोतल, रिबिन भी लगा है ऐसा, रायद लताफा ल्यूक्स, ठीक है। इस यहां से तो कुछ स्मेल नहीं आ रही, इसको स्प्रे करते हैं। इसका स्प्रे तो मतलब लताफा के अच्छे होते हैं। अरे ये स्मेल कहीं करी हुई लग रही है मैंने, बहुत पहले कहीं किसी डियो में, या तो ये स्मेल को जानता हूं मैं भाई, ये स्मेल को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। ये ना लक्स का साबुन आता था ना बहुत पहले, स्कूल टाइम पे लक्स का साबुन आता था, वैसी स्मेल है इसकी। एग्जैक्ट वही स्मेल है लक्स के साबुन की भाई, ये भी बताएगा मेरे साथ। इसको लक्स का साबुन नहीं पसंद इतना, तो जा रहा है, भाग रहा है, किधर भाग रहे भाई? यार व्यूअर्स को बोल दो सब्सक्राइब करते, हाँ बोल दो प्लीज, तुम्हारी बात तो मान लेंगे। जाओ ठीक है, मजे करो। बताता हूँ मैं इसके प्रोजेक्शन के बारे में, आगे ड्राई डाउन में कैसा फील होता है, लॉन्जिविटी कितना ऐसा है, क्या सीन है इसका, सब कुछ आगे अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ अनबॉक्सिंग और सेंट रिव्यू करने के लिए अभी मैंने बनाया था, अभी टाइम लूंगा थोड़ा समय, एक दो दिन, और आगे बताऊंगा। तो आज नेक्स्ट डे हो चुका है और मैंने स्किन पे इसकी टेस्टिंग ऑलरेडी कर ली है, अभी इसकी कपड़े पे करते हैं। यहाँ पे मैंने टी शर्ट रखा है, इस पर स्प्रे करेंगे हम। ये कुछ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इतने स्प्रे कर लिए, अभी बताता हूँ मैं आगे। तो अभी थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले लिया था मैंने, मतलब 24 घंटे के तो ऊपर काफ़ी हो चुका है। ये मैंने स्प्रे करा था लताफा का लाइक्स, क्या है, लताफा का राइट लक्स, ठीक है। तो इस पर स्प्रे करा था मैंने, ज़्यादा टाइम हो चुका है, फिर भी चेक करते आ रही कि नहीं आ रही स्मेल। बहुत लाइट हो चुकी है, लेकिन इसके पहले मैंने स्मेल करी थी। मेरा ना थोड़ा देखो सर दर्द काफ़ी हो रहा था, तो मैंने वीडियो थोड़ी लेट बनाना स्टार्ट किया, अभी सो गया था मैं, और आज दिन में वीडियो बना रहा हूँ, ये रात को बननी चाहिए थी। तो इसकी स्मेल देखो आ रही है, ये किस टाइप का प्रोजेक्शन करता है ये सारा समझाऊंगा, ठीक है। तो ये ना स्मेल काफ़ी लक्स के साबुन जैसी मिलती आ रही है, लक्स का साबुन आता है ना जो बचपन में मैंने यूज किया था, काफी ऐसा लग रहा है, ऐसा फील होगा कि कोई इंसान नहाने के बाद ऐसे तुरंत आया हो ना, बार आउट ऑफ द शावर वाली फ्रेग्रेंस है, कि कोई तुरंत नहा के आया हो, और बहुत फ्रेश फ्रेग्रेंस है, काफी अच्छी है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। और यूनिसेक्स है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा फीमेल टूवर्ड्स लीन करती है, मैं ये बोलूंगा ये ज्यादा फीमेल टूवर्ड्स लीन करता है ऐसा फील होता है, लेकिन ये इतना नहीं है, ये बीच में है, ठीक है। वैसे तो ये भी बीच में है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इस साइड है, मेल साइड, लेकिन अच्छा है काफी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लड़कियों की स्मेल है, ठीक है।
इसमें से स्मेल करके भी अच्छा लगता है। पूरा साबुन वाला सोपी और शैम्पू दोनों की मिक्स में लो ना, ऐसा पूरा नहा के गया हो वैसी स्मेल है इसकी। इसका प्रोजेक्शन मैं बताऊंगा। देखो ये ना मेरे चेयर के पीछे ऐसे लटकाई थी, तो मेरी आदत है कि मैं ऐसे पीछे कभी ऐसे पकड़ता हूँ, तो जैसे इसे पकड़ के ऐसे हाथ पे आता हूँ तो हाथ में से स्मेल आने लगती है। बहुत बार ऐसा हुआ है पूरे दिन में, और शाम को भी ऐसा हुआ था लगा, मतलब 8 घंटे हो गए थे उसके बाद भी कपड़े में से तो स्मेल आ ही रही थी। स्किन पे ये 8 घंटे जैसा रहता है, ठीक है, 6 से 8 घंटे मान लो आप, क्योंकि मैं घर के वेदर में बता रहा हूँ, बाहर के वेदर में 6 घंटे मतलब 2 घंटे ज्यादा कट जाता है, धूप की वजह से चली जाएगी शायद, फेड हो सकती है। कपड़ों पे आप 12 घंटे से ज्यादा ही मान लो, ठीक है, नेक्स्ट डे तक स्मेल आती रहती है इसमें से, और काफी अच्छी मतलब 18 घंटे ही मान लो, पूरे 24 घंटे भी मान सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट डे तक कपड़ों में तो स्मेल रह जाती है। आप अगर बाहर जाओगे तो ये फेड होगी, क्योंकि मैं धूप वगैरह में मेरा ये टी शर्ट निकलता नहीं, घर में ही रहता, तो इतनी फेड नहीं होती जल्दी, तो रह जाती कपड़ों में टेस्टिंग वगैरह करने के टाइम पे। तो इसका ना प्रोजेक्शन कुछ इस टाइप का है, ये ना स्टार्टिंग के 2 घंटे काफी अच्छे से रूम में फैल के रहता है, ठीक है। प्रोजेक्शन इसका 3 घंटे जैसा है, लेकिन 2 घंटे काफी तगड़ा प्रोजेक्शन है, रूम में फैल के पूरा रहता है, पता चलता है, दूर से भी पता चलता है कि स्मेल आ रही है। 3रे घंटे में एक बबल जैसा बन जाता है कि आसपास में ही पता चलता है, और उसके पास हवा आती है तो ही पता चलता है, और उसके बाद वैसा ही रहता है बबल जैसा थोड़े टाइम तक, और पास से स्मेल करने पे या फिर वहां पे हवा वगैरह जाती है तो ही ज्यादा स्मेल आती है, ठीक है। तो इस टाइप का इसको कुछ प्रोजेक्शन है। और जो 5वें 6वें घंटे के बाद भी अगर कपड़े पे मैंने लगाया था ना ये, तो कपड़े पे मैं ऐसे, मैंने बताया जैसे ही मेरा हाथ वहां पे टच हो रहा था तो हाथ में वो ट्रांसफर हो जा रहे थे, तो हाथ में स्मेल उसकी आ रही थी, ऐसा नहीं था कि नहीं आ रही थी। अभी बात करते हैं, अगर देखो मैंने टेस्टर लिया होता पहले इसका डिकेंट वगैरह, और फिर मैं टेस्ट करने के बाद इसको लेता, हाँ डेफिनेटली मैं लेता। शायद ये मेरे फेवरेट में अभी आ चुका है, मतलब मैंने इतना यूज नहीं करा, टेस्ट किया था, लेकिन मुझे ये स्मेल काफी अच्छी लग चुकी है, मेरे फेवरेट में इंक्लूड हो चुकी है। ये भी मेरा फेवरेट था, ये भी मेरा फेवरेट बन चुका है, मैं इसको लगाना काफी पसंद करूंगा। ये समर के लिए भी अच्छा है, और अभी मानसून का सीजन है अभी के लिए भी काफी अच्छा है, और जो इंसान नहीं नहा रहा उसके लिए भी काफी अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छी स्मेल है इसकी, एकदम फ्रेश ऐसा लगता है। ये लगाने के बाद किसी को ऐसा लगा ही नहीं कि इंसान नहा के नहीं आया, पूरा ऐसे साबुन महक जाएगा इसका, और वो भी अपना जो इंडिया का लक्स वगैरह साबुन है, जो भी इंडिया के साबुन से वैसी स्मेल आ रही, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि एकदम लक्स जैसी स्मेल है, लक्स की वाइब है, और भी कुछ चीजें मिली हुई है, लेकिन अच्छी स्मेल है, लक्स किसी हल्की सी वाइब है सब मान सकते हो, 30-40% जैसी लक्स की वाइब है इसमें, लेकिन और भी साबुन वाली चीजें मिली हुई है, ऐसा लगता है साबुन शैम्पू सब कुछ मिला हुआ है इसमें एक में, और ऐसा लगा के कोई बाहर जाएगा तो ऐसा लगेगा भाई तुम नहा के आए हो क्या, ऐसा ही कोई पूछेगा अगर ये लगा के बाहर जाओगे तो ऐसी कुछ इसकी स्मेल है। आप इमेजिन करो कि कोई ना, आप घर में बैठो, आपने नहीं नहाया, और कोई आपका घर वाला इंसान नहा के बाहर आ रहा है, और कैसी स्मेल आती है उनमें से, वैसी उस टाइप की स्मेल है। तो ये था लताफा राइद लक्स, ये गोल्ड जो भी लक्स गोल्ड जो भी है उसकी वीडियो, ठीक है, अच्छी बोतल है, मुझे अच्छी लगी। ये थी इसकी वीडियो, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। ये सेम कैटेगरी में, ठीक है।